वेलकम टू माई YouTube चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं? तो आज मेरा जो मेकअप करने वाली हूँ अपने फेस पर, वो होगा 14 फैब्रिक का मेकअप लुक। तो आप लोगों को पता होगा 14 फैब्रिक आ रहा है, भाई हम तो नहीं बनाते लेकिन लड़कियों के लिए जो है मेकअप तो लाना ज़रूरी होता है। तो 14 फैब्रिक के लिए मैंने बनाया है एक अच्छा सा मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ अपनी स्किन को, यहाँ पे सॉफ्ट की जो है मॉइस्चराइज क्रीम है ये, तो मैं इससे पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी ताकि जो है मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है सर्दियों में, वैसे गर्मियों में इतनी ड्राई नहीं रहती। तो अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ इन फैब्रिक का जो है बहुत ही ज़बरदस्त प्राइमर है ये, तो मैं लगा रही हूँ मेबलिन का जो है प्राइमर, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये इतना शाइनी प्राइमर है जिसकी कोई हद नहीं। देखें मैं इससे बेस इतना खूबसूरत, हसीन, स्मूथ और ही शाइनी वाला जो है ना मेरा बेस बनेगा। तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिया है एक फिटमी का फाउंडेशन और एक लिया था ग्लैमर का, दोनों को मिक्स करके मैंने अपनी स्किन अकॉर्डिंग जो है ये अपना जो है शेड बनाया। तो देखें आपको ज़्यादा वाइट लग रहा होगा, इसकी वजह ये है कि मेरा थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा था तो उस वजह से भी। तो मैं बेस बना चुकी हूँ, अब मैं अपनी बेस को जो है लॉक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 45 का लॉक बेस यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ये होता है और इससे जो है ना मेरा बेस लॉक हो जाता है। अब मैं पोली ब्रश से जो है अपनी आईब्रो को नीट कर लूँगी ताकि मैं अपनी आईब्रो का एक अच्छा सा जो है शेप दे सकूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ क्रिस्टाइन कंपनी की 04 पैलेट कंटूर पैलेट, जिससे मैं अपनी आईब्रो को अच्छा सा एक शेप दे दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं अपना शेप आईब्रो का बना रही हूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से आईब्रो को जो है शेप दे दूंगी। तो ये आप लोग को लुक कैसा लगेगा मुझे कमेंट्स में भी लाजमी ज़रूर बताएगा। तो ये देखिए मेरी दोनों आईब्रो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं कर रही हूँ आईज मेकअप अपना रेडी, कलर्स पैलेट से आईज मेकअप करूँगी आज अपना। इस पैलेट के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ किरमी शेड, बहुत ही स्किन फॉर्म का शेड है ये आई शेड का। तो ये सबसे पहले मैं अपनी दोनों आईज़ पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। अच्छा वही वाली बात दोबारा आ जाती है जो मैं हर वीडियो में आप लोग से कहती हूँ कि ब्लेंडिंग आईज मेकअप अगर अच्छा दिखाना है तो बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेंडिंग होती है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का शेड है ये, जिससे मैं अपनी जो है आईज़ के ऊपर की लीड यानी कि क्रीज बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा कट क्रीज पे जा रही हूँ, आज का जो मेकअप होगा वो थोड़ा सा कट क्रीज पे जा रहा है मेरी आईज़ का। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैं अपनी आईज़ की क्रीज बना रही हूँ। देखिए मैंने दोनों आईज़ की क्रीज रेडी कर ली है। अब मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूँ, जो मैंने रेड शेड पाया था उस पर मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड पे क्रीज पे मिक्स करके अच्छे से मैचअप करके अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी ताकि मेरा शेड उभरा उभरा ना लगे। तो ये देखिए अब मैं कर रही हूँ, ज़रा मैंने ले लिया मिस रोज का कंसीलर, आइवरी शेड है। अब मैं इससे जो है अपनी आईज़ के जो मेकअप मैंने कर रही हूँ उसको मैं पूरा क्रीज बनाने के लिए कट करूँगी। तो ये देखिए मैं कट क्रीज बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये देखें किस तरह से मैं उसको कट कर रही हूँ। ब्रश भी आप पे डिपेंड होता है कि क्रीज कितनी अच्छी बनानी है, क्लीन बनेगी वो, इसीलिए कि जब आप अपना ब्रश का शेप अच्छा लेंगे बारीक होना चाहिए। अब मैं ले रही हूँ रेड कलर का शेड लिया है मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रो की जो लीड होती है लीड पे बिल्कुल बीच में आईज़ की लीड के बीच में मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी अपनी देखिए मैं अपने कॉर्नर्स बना रही हूँ ब्लैक शेड से। ब्लैक शेड से मैंने डायरेक्ट कॉर्नर्स अप्लाई कर दी क्योंकि लाइट का बहुत इशू हो रहा था मुझे, बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बन रही थी, लाइट जा रही थी और आ रही थी। पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि कितनी लाइट कम है तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये देखिए और मैंने इनर कॉर्नर पे थोड़ी सी शिमरी शेड लगाया है। अब मेरे पास रेड कलर की ये डस्ट है और क्रिस्टाइन की जो है ग्लू है लैशेस की, तो उसमें मैंने पानी मिला के ग्लू को थोड़ा पतला करके टैप टैप किया। उसके बाद में ये देखिए रेड शिमरी शेड जो है मेरा डस्ट जो है मैंने हल्के हल्के हाथ से उस पर टैप कर दिया, तो मेरा थोड़ा सा ग्लिटरी जो है आईज़ का लुक बन गया था बिल्कुल। तो मेरा जो ड्रेस है यहाँ पर है वो रेड और ब्लैक, और ये वीडियो बन रही है 14 फैब्रिक के ड्रेस के ऊपर। तो बस मैंने उसी पे अपना जो है इसी ये मेकअप मैंने उसी के हिसाब से किया है।
तो ये सर अब मेरे से एक मिस्टेक हुई कि मैं बिल्कुल किड सामने ले आई और थोड़ी सी लाइटिंग कम हो गई, इसके लिए सॉरी। तो अभी आप लोग इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करें, क्योंकि मैं अभी थोड़ी न्यू सी हूँ और मेहनत करती हूँ, जाहिर सी बात है। तो फिर इंसान को आते आते ही हर चीज़ आती है, तो ये तो नहीं है कि पहले से सीख के बैठे हैं। तो अभी मैंने लैशेस लगाई हैं, अब मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। बी क्यूट वालों का लाइनर बहुत ही ज़बरदस्त है, जट ब्लैक का है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने कट डाउन में लाइनर का शेप बनाया है। वैसे मेरी आईज बड़ी हैं, बट मुझे ये कट क्रीज मेकअप बताना था। अब मैं कंटूर कर रही हूँ 02 पैलेट से क्रिस्टाइन की। तो मैं ज़रा, मेरा फेस आप लोग देख रहे हैं भारी है, तो मैं उसको थोड़ा सा स्लिम दिखाने के लिए, हेल्दी है तो उसको थोड़ा स्लिम दिखाने के लिए ज़रा सा कट डाउन में जो है अपनी कंटूरिंग करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हो गई है। थोड़ी सी चिक बोन में भी कर लूँगी, यहाँ से चिक को थोड़ा सा, और ये जो है तो अभी मैं जो ले रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त ग्लैमर की पैलेट है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके शिमरी ब्लश और शिमरी हाइलाइटर हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइलाइटर मेरे पास बहुत सारे थे, बट मैंने खुद ही मैचअप बनाया हाइलाइटर्स का और ब्लश का। तो यहाँ मैं ब्लश ले रही हूँ दो, एक डार्क पिंक शेड और लाइट को, दोनों को मिक्स करके आपके सामने किस तरह से मैंने ब्लश बना लिया। ये देखिए, अब मेरी नोज़ कंटूरिंग रह गई थी, तो वो मुझे थोड़ी देर मेकअप के बाद याद आई, क्योंकि मेरी नोज़ इतनी ना फैली हुई चपटी नहीं है, तो वो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मुझे बाद में पता चला कि मैंने तो नोज़ कंटूरिंग की ही नहीं है, तो मैं जल्दी से दोबारा वो करने बैठ गई। तो चलिए, ये देखिए मैंने कितनी ज़बरदस्त नोज़ कंटूरिंग करी है, बिल्कुल ना को तोते की तरह बना दिया। तो अभी मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ अपने फेस पर, ये देखिए किस तरह से नोज़ चिक को, और जल्दी से अच्छे अच्छे ये देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त शिमरी सा जो है अपना जो फेस का लुक बनाया है ना, वो शिमरी टाइप का बनाया है। थोड़ा सा ना डस्ट ग्लिटी डस्ट पे काम किया है मैंने, ज़्यादातर हाइलाइटिंग पे ज़्यादा काम किया है। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे मैं जो अपनी लिप्स की आउटलाइन बना रही हूँ ना, वो कोई आउटलाइन वगैरह नहीं है। मेरे पास जो क्रिस्टाइन की कंटूर पैलेट का 04 शेड है ना, उसको मैंने डार्क लेके अपनी जो है लिप्स की आउटलाइन करी, ताकि मैं जब रेड शेड, मैंने 3-4 कलर मिला के अपना ये जो लिप्स का शेड था वो मैं लेकर आई थी। तो ये इसलिए कि मुझे ज़रा कुछ अलग सा लुक चाह रही थी, तो वो शेड मैं किस तरह बना रही हूँ देखें। पहले तो मैंने इस तरह से आउटलाइन बनाई अपने लिप्स पर, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आउटलाइन लग रही है। थोड़ा सा अंदर इसको ही फील करिए, आप कह रहे ना इसको फील करा ताकि अच्छे से मैच हो जाए। तो अभी ये मैं रेड कलर लगा रही हूँ किस ब्यूटी का जो है मैट लिप ग्लॉस है रेड कलर का, और जट रेड कलर है ये, बहुत ही ज़बरदस्त रेड कलर है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट इसको मुझे थोड़ा सा ना मेहरून शेड पे जाना था ना, तो मैंने पता है क्या किया, तो मैंने इस पर जो है ना ग्लैमर कंपनी का जो शेड होते हैं ना आई शेडो पैलेट, उसको थोड़ा सा ना रेड शिमरी वाला ना वो मेहरून और रेड को थोड़ा मिक्स करके ना लिप्स पे टैपिंग कर दिया। तो इस तरह से मेरा शेड बहुत अच्छा बन गया, ये देखें। और जो है ना मैंने अपना थोड़ा सा ब्लैकिश जो है ना कॉर्नर्स पे ना लिप्स के कॉर्नर्स पे थोड़ा सा दिया, जो मेरा कंटूर का था, तो उससे मैंने ये शेड क्रिएट किया था अपने लिप्स का। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल चेंज हो जाता है यार, मतलब अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा लुक जो है पूरा रेडी हो चुका है। अभी ये देखिए मैंने इयर रिंग्स भी जो है पहन ली हैं, अब मैं आप लोगों को ड्रेस के साथ आके दिखाती हूँ। तो वेलकम टू माय फाइनल लुक। तो आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग मुझे जो है कमेंट्स में बताइएगा। और मैं जानती हूँ कि मैं 1 जनवरी के बाद अभी वीडियो बना रही हूँ, मैंने अपनी बर्थडे पे बनाई थी और अब ये बना रही हूँ। तो प्लीज़ इंशाल्लाह ताला छोटी छोटी बातों को मेरी इग्नोर किया करें, टाइम नहीं मिलता कभी, क्योंकि आजकल शादियाँ बहुत सारी चल रही थी उसमें बिजी थी। तो आप लोग के लिए अब इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स भी कर दिया करें, अपनी बंदी को भाई थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि आगे से आगे जाऊँ आप लोगों की दुआओं से। तो प्लीज़ 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 दिल में कोई बात नहीं रखा करें, जल्दी जल्दी से सपोर्ट किया करें, एक दूसरे की खुशियों में खुश होना सीखें। तो प्लीज़, तो अब आप लोग देखें ये लुक कैसा लग रहा है। ये मैंने ना ज़रा हेयर ओपन करके आप लोग को दिखाया है कि मेरे हेयर्स ओपन में कैसा लुक लग रहा है। तो ये क्रिएट जो ये मैंने अपना जो लुक क्रिएट किया है, तो ये मैंने 14 फेब्रिक के ऊपर वीडियो बनाई है, तो ये लुक उस पर जाता है। तो ये देख लीजिए आप लोग कैसा लग रहा है, मेकअप कैसा लगा, लिपस्टिक का हैक कैसा लगा, क्योंकि मैंने इस लिपस्टिक को लगाते हुए आप लोग को पूरा हैक का तरीका बताया कि किस तरह से हम शेड बना सकते हैं। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लुक मैंने ये क्रिएट किया है
तो ये तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो सोचा एक जो है ना, इसमें मैंने आप लोग को एक हेयर पीछे रख के बताया, हेयर को आगे रख के भी बताया कि मतलब कैसा ये लुक लग रहा है। अब चले मैं आप लोग को पोनीटर पे लुक बताती हूँ। तो ये देखें, ये पोनीटर हेयर लुक जो है ये कैसा लग रहा है इसमें, तो ये भी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। तो चले देखें आप लोग, ये है मेरा फाइनल लुक। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे 650 जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वॉच टाइम में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वॉच टाइम बहुत कम है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को देखा करें, अच्छे से अच्छा पूरा देखा करें, और मेरे बैड आइटम को जो है जल्दी से बैड आइटम को क्लॉक कर दीजिए, ताकि जो ओके कर देंगे ना तो फिर वो सारी वीडियो मिलते रहेंगी। और लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्ट, लव यू माई मेम्बर्स, अल्लाह हाफिज़।